नमस्कार, आप सभी को स्वाद कढ़ाई का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बना रहे हैं चना मसाला। जी हाँ, चाट की तरीके से इसे खाया जा सकता है। सबसे पहले हम ले रहे हैं थोड़ा सा ऑयल, तो ये हमने 2 चम्मच के करीब तेल ले लिया है। और आप सरसों का रिफाइंड का कोई सा भी ले सकते हो। इसमें हमने डाला है 1 छोटी चम्मच जीरा, और जीरे को हल्का सा भून लेंगे। जब उसमें से खुशबू आने लगे तो उसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर उस फ्लेवर को पानी में ऐड होने देंगे, और उसमें डाल देंगे थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च। तो ये देखिए, अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है इसको। और अब क्या करेंगे कि इसके अंदर हम डालेंगे कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी के बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। तो हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्च, बहुत थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है। अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा कर सकते हैं। और नमक हमने 2 टेस्ट डाला है, क्योंकि हम छोले में भी पहले नमक डाल चुके हैं। तो ये देखिए, इस मसाले को मैं हल्का सा भून लूँगी। वैसे तो ये भून ही गया है, और अब इसमें ऐड कर दूँगी उबले हुए छोले। तो ये उबले हुए हैं और एकदम घुले हुए छोले बिल्कुल भी नहीं हैं। तो ये देखिए, अब इनको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो पहले इसको जितना हो सके आप तेज़ गैस पर भून लीजिए, क्योंकि भूनने के बाद वो जो अच्छी कोटिंग चढ़ जाती है ना इस पर, छोलों पर, वो बहुत अच्छा स्वाद देती है। अब हमने इसमें डाला है थोड़ा सा पानी, और पानी डालने के बाद हम इसे चलाएंगे। पानी सूखने तक हम इसको मंदी गैस पर पकने देंगे। तो 2 मिनट लगेंगे इसमें, और ये पानी बिल्कुल सूख जाएगा। और पानी सूखने के बाद ये देखिए, ढक के बनाइए इसे। और अब हमने खोला है 2 मिनट बाद, बीच में चला दिया था, तो 2 मिनट बाद देखिए पानी बिल्कुल सूख चुका है, और एकदम अच्छी सी कोटिंग के साथ ये छोले हमारे तैयार हो गए हैं। इसमें डालेंगे हम हरा धनिया। हरा धनिया बनने के बाद ये छोले बिल्कुल तैयार हैं। तो इसको आप स्वाद लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इस तरीके से आसान और अच्छी रेसिपियाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। इसे आप दाल चावल के साथ खा सकते हैं, पूरी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं। और सारी चीज़ छोड़िए, अगर आप इसको सिर्फ ऐसे ही खाएँगे तो भी ये बहुत ही स्वाद लगेगा। अगर इसमें आप ऐड और करना चाहते हैं तो छोटी छोटी हरी मिर्च काट के डालिए। तीखा खाने वालों के लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी बन जाएगी। तो इस रेसिपी, ये रेसिपी आपको कैसी लगी, इस बारे में कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।